हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देवासी समाज ने विवाहिता को भगा ले जाने के मामले में कार्रवाई करने को लेकर पुलिस उप अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। शहर के चांदपोल गेट से देवासियों के मोहल्ले से कुछ दिन पूर्व अपने पीहर में रह रही एक विवाहिता को भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बावजूद पुलिस ने उसका अभी तक पता नहीं लगाने पर मंगलवार को देवासी समाज के दर्जनों नागरिकों सहित हिंदू संगठनों द्वारा पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में परिजनों ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को सुबह के वक्त सामान लाने का कहकर निकली विवाहिता वापस नहीं आने पर परिजनों द्वारा काफी छानबीन करने पर पता चला कि शकील खान उर्फ छोटू खान पुत्र हाजिर खान एवं उसके परिजनों द्वारा षड्यंत्र रचकर जबरदस्ती अपहरण कर एक टवेरा गाड़ी में डालकर ले गए। ज्ञापन में बताया गया कि संभावना है कि मेरी पुत्री को डरा धमका कर जबरदस्ती उससे शादी करना चाहते हैं। एमपीआर कब दर्ज हुई, मीडिया कर्मियों को ध्यान में नहीं। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से 20 जुलाई को एमपीआर दर्ज करवाई गई थी, जबकि इसके दो दिन बाद ही परिजनों ने नामजद रिपोर्ट भी थाने में दी थी, लेकिन पुलिस ने किसी भी मीडिया कर्मी को इस मामले की जानकारी नहीं दी। पुलिस उप अधीक्षक को ज्ञापन देने के बाद ये मामला आया ध्यान में। मंगलवार को जब देवासी समाज एवं हिंदूवादी संगठनों के दर्जनों कार्यकर्ता इस मामले में उचित कार्रवाई के लिए सीओ डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ के कार्यालय पहुंचे और उन्हें ज्ञापन के माध्यम से इस सारी घटना की जानकारी दी, तब जाकर मीडिया कर्मियों को ये मामला ध्यान में आया। ज्ञापन के दौरान सीओ जाखड़ ने पूरा आश्वासन दिया है कि विवाहिता को दस्तयाब करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके लिए वे विशेष मॉनिटरिंग करेंगे तथा सोजत थाना प्रभारी को भी इस बारे में समय समय पर रिपोर्ट देने के लिए कहा जाएगा। जागरूक टीवी के लिए सोजत सिटी से नथाराम बुराना की रिपोर्ट।